डियर स्टूडेंट, सो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस हैविंग मल्टीपल मीडियम बिटवीन देम। यानी कि हमारे पास दो ऐसे चार्जेस हैं जिनके बीच में एक जैसा होमोजीनियस मीडियम नहीं है, और हमको इन दोनों चार्जेस के बीच की आपके पास नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1, और यहाँ पर मेरे पास है दूसरा चार्ज Q2, और इनके बीच में कुछ मल्टीपल मीडियम प्रेजेंट है। हमारे पास मान लिया जाए कि पहला मीडियम जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और यह R1 डिस्टेंस तक स्प्रेड है, यह R1 डिस्टेंस तक स्प्रेड है। मेरे पास यहाँ पर दूसरा मीडियम है विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, और यह R2 डिस्टेंस तक स्प्रेड है। मेरे पास यहाँ पर तीसरा डिस्टेंस है, और ये मेरे पास तीसरे डिस्टेंस के अंदर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम आपके पास है K3, और लास्ट मीडियम है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4, और ये हमारे पास R4 डिस्टेंस तक स्प्रेड है। कुल मिलाकर चार मीडियम है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ के अंदर सबसे पहले हम वैक्यूम की फोर्स कैलकुलेट करते हैं, फिर हम मीडियम की फोर्स जो है कैलकुलेट करते हैं। आज हम यहां पर मल्टीपल मीडियम की बात करते हैं, और ये डिस्कशन एन नंबर ऑफ मीडियम्स के ऊपर जाकर भी अप्लाई किया जा सकता है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का अगर पता हो तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? सो हमारे पास इसकी फॉर्मुलेशन कुछ इस तरीके से, द फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेसिक टर्म है, ये आएगी मल्टीप्लाइड बाय Q1 इनटू Q2 डिवाइड बाय, अब डिनोमिनेटर पे ध्यान देना पड़ेगा, पहली टर्म का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, तो अंडर रूट ऑफ K1, अंडर रूट सिर्फ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे आएगा, मल्टीप्लाइड बाय R1, क्योंकि K1 डायलेक्ट्रिक मीडियम, R1 डिस्टेंस तक स्प्रेड है। नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ K2 मल्टीप्लाइड बाय R2। मेरे पास तीसरी टर्म क्या आ जाएगी, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ K3 इंटू R3, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ K4 इंटू R4, और इन सभी टर्म्स को ब्रैकेट में रखकर इनका स्क्वेयर कर देंगे। तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे। चार मीडियम्स हैं, चार टर्म्स आएंगे, और हर टर्म के जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस पर रूट आएगा, और उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस के ऊपर ये डायलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास स्प्रेड है। अब बात हमारे पास आती है कि अगर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी जाए तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि इसका जर्नल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो इसका जर्नल एक्सप्रेशन, तो चलिए शुरू करते हैं इसके जर्नल एक्सप्रेशन से। तो हमारे पास इसका जर्नल एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा, वी हैव द जर्नल एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस हैविंग मल्टीपल मीडियम बिटवीन दम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म आएगी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट समेशन i=1 to n KI, और इसका हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ KI मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास क्या आएगा RI, ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है, जो बच्चा प्लस टू तक पहुंच पाता है उसको ये बात समझ में आती है कि समेशन का मतलब है 1 से n टर्म तक इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आपने इंटरमिक्सिंग नहीं करनी है। जिस पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहे हैं उसी का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और उसी के डिस्टेंस से हम उसको रूट को, अंडर रूट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लीज इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम की। ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है R, और इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हमारे पास एक मीडियम प्रेजेंट है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास के, और इसका डिस्टेंस, इसका स्प्रेड टी डिस्टेंस आपके पास टी डिस्टेंस तक है, तो इसका मतलब बाकी जगह पे मेरे पास क्या है, एयर है, और हमारे पास क्या है, एयर। तो मुझे टीचर अब बोलता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हमको इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक
फोर्स निकालनी है। सो अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालना चाहते हैं तो हम ऊपर डिराइव की गई, ऊपर बताई गई फॉर्मुलेशन को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम में कितने मीडियम प्रेजेंट है। मेरे पास इस सिस्टम के अंदर दो मीडियम प्रेजेंट है, एयर, और आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास के बराबर है, और इसकी जो स्प्रेड है वो टी डिस्टेंस तक है। सो सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है इसके अंदर से के ऑफ एयर क्या होगा, जहां पर एयर स्प्रेड है ये किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। दूसरी चीज, अब इसकी फॉर्मुलेशन कैसे बन जाएगी, फॉर्मुलेशन इज एफ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाई, अब हम ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास हम एयर को कैलकुलेट कर लेते हैं, सो अंडर रूट ऑफ के एयर मल्टीप्लाइड बाई, अब ये एयर कितने डिस्टेंस तक है, तो आंसर है r-t, तो ये एयर r-t के डिस्टेंस पे है, एंड प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ के, क्योंकि बाकी जगह पे कोई दूसरा मीडियम है जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई टी, ब्रैकेट क्लोज, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वेयर। सो ये हमारे पास यहां पर इसका एक्सप्रेशन डेवलप हो गया। आप स्क्रीन को पॉज करके इस एक्सप्रेशन को, सिचुएशन को दोबारा से एनालाइज कर सकते हो, और फिर अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, तो एफ किसके बराबर आएगा, 1/4 pi epsilon naught, वी हैव Q1 Q2 और नीचे अब हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ के एयर 1 होता है, बाकी क्या बच जाएगा, r-t प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ के इंटू टी, इसका आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। सो दैट्स इट। सो हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है, द फॉर्मुलेशन इज रिगार्डिंग द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस हैविंग मल्टीपल मीडियम बिटवीन देम। सो अगर इस तरह की कभी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस फॉर्मुलेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं।